हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल विजिबल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। रैपिड रिविजन सीरीज जो हमने पिछले महीने शुरू की, ऑल्टरनेट डेज पर हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स कवर करते हैं, और इसी सीरीज में आज हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अगले एक घंटे में हम काफ़ी सारे MCQs जो हैं वो कवर करने वाले हैं। आप जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे उन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसे हम रिवाइज कर पाएं। ओके, सो आप जो भी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उनका बेसिकली आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ द ओनली वे। स्पेशल क्लासेस में ऑब्वियसली हम लोग बात कर पाते हैं, क्वेश्चंस भी कर पाते हैं पोल्स के थ्रू, बट इस पर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। सो शुरुआत करते हैं। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट सेक्शन ताकि हम आज का जो सेशन है उसे शुरू कर सकें। ओके, शायद वेट करना ज़रूरी नहीं है। साथ में सुदर्शन सर की क्लास चल रही है तो लर्नर्स नहीं आएंगे शायद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्चुअली ये मेरे वर्कशीट्स के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा इसी प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है, He neither accepted the existence of God nor rejected the existence. He did not believe in the law of karma. Buddhism rejects the concept of existence of soul, unlike Jainism. Which of these statements given above is are correct? Gautam Buddha जो है या फिर Buddhism जो है वो किसी भी प्रकार से God के existence या rejection की बात नहीं करता। Gautam Buddha जो है वो कर्म के law पर विश्वास नहीं करते थे। बुद्धिज़्म जो है वो आत्मन के एग्जिस्टेंस को, उसके कंसेप्ट को रिजेक्ट करता है, जबकि जैनिज्म में आत्मन यानी कि सोल का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यस, एक तरीके से देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने कभी भी गॉड के एग्जिस्टेंस या रिजेक्शन पर किसी प्रकार की बात की ही नहीं है। दूसरी ओर अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो बुद्धिज्म में लॉ ऑफ कर्मा है, ठीक है, ये जो कर्म है ये आपके प्रेजेंट लाइफ को बेटर बनाने में मदद करता है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। और रही बात तीसरी स्टेटमेंट की, यस बुद्धिज्म में आपने अनत्त, ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है नो सेल्फ, सेल्फ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सोल जो है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एंड देयर इज अनदर टर्म कनेक्टेड टू इट, दैट इज अनिच्छ। अनिच्छ इज बेसिकली इम्परमानेंस, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट यानी कि एवरीथिंग इज टेम्प्ररी, देयर इज नथिंग जो कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एक तरह से जीवित रहेगा, हर चीज एक समय पर आने के बाद खत्म होगी, ऐसा बुद्धिज्म कहता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स थी इनमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, That is 1 and 3 only. Okay? Next question की ओर बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बादामी केव टेम्पल्स. बादामी केव टेम्पल से जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. बादामी केव टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सातवाहन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है, द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टेम्पल्स इज अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल एंड साउथ इंडियन द्रविडियन स्टाइल. तीसरी स्टेटमेंट, द केव्स आर कार्व्ड आउट ऑफ सॉफ्ट सैंडस्टोन. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. बादामी प्रेजेंट डे कर्नाटक रीजन है, और पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये केव टेम्पल्स जो है वो सातवाहन्स के पैटर्नाइजेशन के अंडर आए. दूसरी कहती है कि वो द्रविडियन और नागर दोनों के ही फीचर्स रखते हैं, और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि दे वर कार्व्ड आउट ऑफ सॉफ्ट सैंडस्टोन. तो यहाँ कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट होंगी, इसका आंसर आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में देंगे. इट इज फाइन अगर आप गलत भी आंसर देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. ध्यान से इनको चेक करें एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, मोस्टली डी सी जा रहा है. आंसर इस क्वेश्चन का सी होगा. कैसे? बादामी केव टेम्पल जो है वो सातवाहन स्टाइल में नहीं है, वो चालुक्यंस के अंडर आए थे. चालुक्यंस यहाँ पे बादामी या वातापी के, वेस्टर्न चालुक्य जो है उनके अंडर आपको बादामी केव टेम्पल्स आते हुए देखने को मिलता है. यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, और इस वजह से आप इन तीनों ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. बाकी की दोनों स्टेटमेंट सही हैं. बादामी केव टेम्पल्स वेसार स्टाइल में, वेसारा स्टाइल हाइब्रिड स्टाइल होता है जिसमें नागर और द्रविडियन दोनों के फीचर्स होते हैं. और दूसरा, बादामी केव टेम्पल्स जो हैं वो सिर्फ सॉफ्ट रेड सैंडस्टोन की जो पहाड़ी है बादामी में, उसमें काटे गए हैं. तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा. क्लियर? आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर सी क्यों है, क्योंकि बादामी केव टेम्पल सातवाहन स्टाइल में नहीं है. सातवाहन के पीरियड में तो कोई टेम्पल इस प्रकार के आते हुए नहीं देखने को मिलेंगे. हाँ, वो अलग बात है कि सातवाहन डायनेस्टी के एक राजा हैं हाला, जिन्होंने एक किताब लिखी है गाथा सप्तसती, जो कि दुर्गा और गणेश के टेम्पल की बात करते हैं, लॉर्ड गणेश और गॉडेस दुर्गा. लेकिन वो टेम्पल जो है उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है. सो दिस बादामी केव टेम्पल्स वर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द वर्ड विश यूज इन ऋग्वेद. ऋग्वेद में विश शब्द जो है वो बहुत बार आता है. इसका मतलब क्या है? पीपल हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम मोक्ष. वैश्यस the third word in four fold varna system, entire community as a whole, people who did not perform sacrifices. wish word ka matlab kya hai? ye rigved mein kafi aapko dekhne ko milega. what is the correct answer of this question? so bilkul sahi, the correct answer to this question is c. rigved mein aapko ट्राइब यानी कि कबीला, ट्राइब के बहुत सारे सिनोनियम्स मिल जाएंगे. उनमें से विश भी आता है, जन भी है, ठीक है. इसके साथ साथ शारदा, शारदा इज ऑल्सो अ टर्म. इसी प्रकार से गण, ये सारे टर्म्स जो हैं ये ट्राइब के लिए यूज़ होते हैं, ये कम्युनिटी के लिए यूज़ होते हैं, एंटायर कम्युनिटी. और ये ऋग्वेद में बार बार ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो रिपीट होती है. So the correct answer to this question is C. Okay? Great. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. Okay. Consider the following statements regarding bronze and terracotta figures. Harappan civilization की जो sites हैं उसमें bronze के भी figures मिलेंगे, terracotta के भी figures मिलेंगे. उससे जुड़ी हुई यहाँ पर दो statements दी गई हैं. पहली statement कहती है, bronze statues were made using sire या फिर सिरे पर्ड्यू टेक्निक. और सेकेंड स्टेटमेंट कहती है, अगर हम स्टोन के और ब्रॉन्ज के स्टैचूज को कंपेयर करें तो स्टोन के या टेराकोटा के, स्टोन और ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज हैं उनको अगर टेराकोटा की स्टैचूज से कंपेयर करते हैं तो टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म आर मोर रिफाइंड. टेराकोटा के फिगर्स मोर रिफाइंड है इन कंपैरिजन टू स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचू. ये स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट हैं
जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. भास्कर, तेजस, आनंद, प्रेरणा, ऐश्वर्या, ओके. फिलहाल मेजॉरिटी जो है वो ए के साथ है. देख तो 23 लर्नर्स रहे हैं, आंसर 5-6 बच्चे दे रहे हैं, लर्नर्स दे रहे हैं, क्या बात है. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ब्रॉन्ज स्टैचूज जो हैं वो सायर या सिरे पर्ड्यू टेक्निक से बनाए जाते हैं, जिसको आप लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हो. ठीक है, इसी से ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनाए जाते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि जब हम स्टोन और ब्रॉन्ज के स्टैचूज को टेराकोटा के फिगर्स से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि टेराकोटा के जो फिगर्स हैं, टेराकोटा के जो यहाँ पे स्कल्पचर या स्टैचूज पाए गए हैं, वो ज़्यादा क्रूड हैं, ना कि ज़्यादा रिफाइंड. स्टोन और ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज हैं उनमें ज़्यादा रिफाइनमेंट है, उनमें ज़्यादा डिटेलिंग्स हैं. ठीक है, तो इस वजह से एक सेकेंड स्टेटमेंट गलत है एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. ओके, चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांख्य फिलोसफी. इट वॉज फाउंडेड बाय साज गौतम. इट इज अ ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी विच बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज, प्रकृति एंड पुरुष. अगर आपको याद हो तो लास्ट के कुछ सेशंस में हमने सांख्य फिलोसफी को बहुत अच्छे से कवर किया था, राइट? उसमें 24 एलिमेंट्स की बात की थी, प्रकृति पुरुष की बात की थी, इसके साथ साथ उसके फाउंडर एंड सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, इन सब पर हमने डिस्कशन किया. तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच दीपक. ओके, दैट इज ग्रेट. तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इट वॉज फाउंडेड बाय सैज कपिल मुनि जो है उन्होंने इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था. गौतम जो है इन्होंने कौन सी फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की है, कैन यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सैज गौतम ने कौन सी फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की है? न्याय, न्याय फिलॉसफी. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो गई है गलत. और अब सेकंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं. इट इज ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी. यस, इट टॉक्स अबाउट ड्यूअलिज्म. वो द्वैतवाद के बारे में बात करती है, वो दो रियलिटीज के बारे में बात करती है, जिसमें एक है पुरुष और दूसरी प्रकृति. प्रकृति इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग एंड पुरुष इज मेयर कॉन्शियसनेस, जो कि प्रकृति से क्रिएट हुई हर चीज जो है उसको कॉन्शियस बनाती है. तो यहाँ ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है. इट टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज, पुरुष एंड प्रकृति. ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी सही. आंसर होगा बी. ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अजंता केव्स. अजंता केव्स से जुड़ी हुई दो स्टेटमेंट्स. देयर आर टोटल 29 केव्स. The Ajanta caves were under the patronage of Vakatak kings too. Select the correct answer using the code given below. इस question का answer क्या होगा? चलिए, देर इज सम डाउट आई गेस. ए बी सी तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, मेजॉरिटी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है. तो ऐसा करते हैं, अजंता केव्स जो है उसमें जब केव्स की नंबरिंग की गई है ना, तो टोटल 29 केव्स हैं. लेकिन अगर हम एक एक केव को इंडिविजुअली काउंट करें तो देर आर टोटल 30 केव्स. शायद इसके बारे में मैंने वर्चुअल टूर में भी बताया था आपको, जब अजंता केव हमने विजिट किया था वर्चुअल टूर के दौरान. एक्चुअल में जो 15th केव है
उस 15th केव के दो पार्ट हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। तो ये जो 15th केव है, इसका एक है 15A और दूसरा है 15B। अगर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाले केव को एक ही काउंट करोगे, आप 15 काउंट करोगे सिर्फ, तो देर आर टोटल 29 केव्स। लेकिन अगर आप उनको इंडिविजुअली काउंट करते हैं तो देर आर 30 केव्स। यहाँ पर हम इंडिविजुअल काउंटिंग की बात नहीं कर रहे, हम उनके मार्किंग्स की बात कर रहे हैं। देर आर टोटल 29 केव्स जब हम इंडिविजुअली उन्हें काउंट नहीं करते, बिकॉज 15 केव के दो पार्ट्स हैं, 15A और 15B। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, अजंता केव्स वर अंडर द पैटर्नेज ऑफ वकटक किंग्स टू। यस, वेरी ट्रू। यहाँ पे हरिसेन नाम के राजा के बारे में हमने सुना भी तो है, दैट हरिसेन वॉज अ वकटक रूलर हु पैटर्नाइज द कार्विंग ऑफ अजंता केव्स। और हरिसेन की डेथ के बाद हुआ क्या, हरिसेन की डेथ के बाद अजंता केव्स को कोई पैटर्नाइजेशन नहीं मिला, और बहुत सारा पार्ट जो अजंता केव्स का है वो अनफिनिश्ड है, वो इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है, तो यस, वाकटक्स जो हैं उन्होंने भी अजंता केव्स की कार्विंग को पैट्रोनाइज किया है। ओके, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मानुषी बुद्ध। इनमें से कौन मानुषी बुद्ध का एग्जाम्पल है? पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, मैत्रेय, दीपांकर। इनमें से कौन मानुषी बुद्ध का एग्जाम्पल है? ओके, तेजस आनंद अर्नब और प्रेरणा, विशाल, सोनाली, मेनी लर्नर्स। ओके, सो मानुषी बुद्ध जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दीपांकर है। ओके, डी इज दी करेक्ट आंसर। पार्श्वनाथ इज कनेक्टेड टू जैनिज्म, है कि नहीं? क्या ये 23rd तीर्थंकर नहीं है आपके? ऋषभ देव भी जैनिज्म से कनेक्टेड है, ये आपके फर्स्ट तीर्थंकर है। मैत्रेय जो है वो तो फ्यूचर बुद्ध है, वो तो अब तक आए ही नहीं है धरती पर, वो आएंगे। ठीक है, दीपांकर जो है वो मानुषी बुद्ध है, यानी कि कहा जाता है कि सिद्धार्थ जो बुद्ध बने हैं उनसे पहले भी बहुत से बुद्ध आए हैं इस धरती पर, जिन्हें हम मानुषी बुद्ध कहते हैं, एंड दीपांकर इज वन ऑफ देम। तो दीपांकर जा चुके बुद्ध हैं, और इस जीवन में जो बुद्ध की पोजीशन पर आए थे वो सिद्धार्थ थे, और आगे इन फ्यूचर जो बुद्ध बनेंगे, आएंगे फ्यूचर बुद्ध, वो मैत्रेय होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दीपांकर। ओके, हमारा आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गांधर स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स, गांधर स्कूल ऑफ आर्ट। गांधर स्कूल वैसे थोड़ा न्यूज में भी है, आप सबने बामियन बुद्ध के बारे में सुना होगा जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो पहली स्टेटमेंट कहती है, गांधर स्कूल इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, इन गांधर स्टाइल वी फाइंड बुद्ध विद थिक कर्ली हेयर्स। इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है? गांधर स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जा सकता है, और गांधर स्टाइल में गौतम बुद्ध के थिक घुंघराले बाल जो है वो दिखाए गए हैं। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। गांधर स्कूल जो है उसमें आपको हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इसी वजह से इस स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट कहा जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट, यस, गांधर स्टाइल के जो स्कल्पचर्स हैं गौतम बुद्ध के, उनमें उनके बालों को काफ़ी कर्ली दिखाया गया है, और वो भी हेलनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट का ही असर है। तो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अजीविकाज। अजीविका स्कूल वॉज फाउंडेड बाय मखाली
गौशाल इन फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द स्कूल डिड नॉट बिलीव इन द नियति डॉक्ट्राइन एंड बिलीव दैट वॉट एवर हैज हैपेंड इज हैपनिंग और विल हैपन इज एंटायरली इन आवर हैंड्स. ये स्कूल जो है वो नियति के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता और इसका मानना है कि जो भी हो रहा है और जो होगा वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है. तीसरी स्टेटमेंट कहती है अनलाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. बुद्धिज्म और जैनिज्म से अलग आजीविका ने वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है. ओके के वाई शैलेंद्र तेजस शिवम आनंद प्रेरणा सिमरन ऐश्वर्य प्रशांत. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए बाय. बिल्कुल सही. आजीविका स्कूल जो है उसके फाउंडर मखाली गौशाल ही हैं फिफ्थ सेंचुरी से बिफोर कॉमन एरा. लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. उल्टा आजीविका जो है वो नियति पर ही तो विश्वास रखते हैं. उनका यही तो मानना है कि जो होता आ रहा है जो हो रहा है और जो होगा वो पहले से ही तय है. कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. हमारे कर्म जो है वो किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं ला सकते. जो होना है वो होकर रहेगा. ये तो विधि का विधान है. ये तो नियति का खेल है. ऐसा ही आजीविका कहता है. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई. थर्ड स्टेटमेंट बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका ये सब हिट्रोडॉक्स फिलोसफी के अंडर आते हैं और ये वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं. ओके तो हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का है वो है ए दैट इज सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है. चलिए अगला सवाल देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द अर्लीएस्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया. ओके मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया. इट इज द अर्लीएस्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर द इंडस स्क्रिप्ट. आपको बेसिकली वो स्क्रिप्ट पहचाननी है. मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रिटन इन द स्क्रिप्ट ओनली. मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डेराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट. हम कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं. ऐसी स्क्रिप्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के बाद भारत में डेवलप हुई. अशोक के भी कुछ इंस्क्रिप्शंस उसी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं. इस स्क्रिप्ट में से बहुत सी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस से जुड़ी हुई जो स्क्रिप्ट है वो डेवलप हुई है. जैसे कि देवनागरी. तो यहाँ पर संस्कृत है, आरमिक है, देवनागरी है, ब्राह्मी है. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्राह्मी. ठीक है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही नागरी और फिर नागरी से देवनागरी स्क्रिप्ट डेवलप हुई है ना. मतलब आपने देखा भी होगा इसमें दिस इज ब्राह्मी. ब्राह्मी में ये अ है. नागरी स्क्रिप्ट में ये अ है और देवनागरी स्क्रिप्ट में ये अ है. तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये इवॉल्व हुई है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी दैट इज ब्राह्मी. हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं. ओके अगला सवाल देखिए. पॉटरी ऑफ मौर्यन पीरियड इज जनरली रेफर्ड टू एज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रेड एंड ब्लैक वेयर पेंटेड ग्रे वेयर नन ऑफ द अबव. मौर्यन पीरियड से जुड़ी हुई पॉटरी कौन सी है. इनमें से कौन सी पॉटरी जो है वो मौर्यन पीरियड से कनेक्टेड है. नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नॉर्थ में पाए जाने वाले ब्लैक कलर के पॉलिश बर्तन या फिर रेड एंड ब्लैक वेयर या फिर पेंटेड ग्रे वेयर या फिर इनमें से कोई नहीं. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. वेरी नाइस. मौर्यन पीरियड से जुड़ी हुई जो पॉटरी है वो है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ऑप्शन बी जो है आपका रेड एंड ब्लैक वेयर. इट वॉज वेरी मच कॉमन इन चालकोलिथिक साइट्स. चालकोलिथिक कल्चर में आप इसे देखोगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आप इसे देखोगे. वहीं पेंटेड ग्रेवर की बात करें तो ये उस समय आई जब महाजनपद डेवलप हो रहे थे. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. ओके ओके अगला सवाल देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. ये पहली स्टेटमेंट है. मौर्यंस वेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज इट्स वास्ट एम्पायर. ये दूसरी स्टेटमेंट है. तीसरी
कास्ट सिस्टम वॉज कंप्लीटली एब्सेंट इन द एम्पायर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, बट यस प्लीज आंसर। हरसिमरन, राजीव, अभिजीत, अंकित, परेश, केवाय, आनंद, सोनाली, संतोष। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इसके आंसर पर बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक अच्छा सवाल है, ये आपको थोड़ी सी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देगा। ओके, पहली स्टेटमेंट कहती है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, इज इट ट्रू? क्या पहली स्टेटमेंट सही है? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वही मौर्य डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर है। ओके, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट, द कास्ट सिस्टम वॉज कंप्लीटली एबसेंट इन द एम्पायर, ये स्टेटमेंट गलत है। कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम मौर्यन एम्पायर में एग्जिस्ट करता था। अब जो सबसे कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सेकेंड वन, जिसमें लिखा है मौर्यज वेंट फॉर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज इट्स वास्ट एम्पायर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड यूज किया जाता है तो वो किसी ना किसी के रिलेशन में यूज किया जाता है, रिलेटिव टू सम अदर डायनेस्टी। मतलब मैं इन एन एब्सोल्यूट मैनर किसी भी पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा था या वो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा था। हम हमेशा इन वर्ड्स को किसी से कंपेयर करते हुए बता सकते हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड एज कंपेयर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ताज, ऐसे हम कह सकते हैं। या फिर गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड इन कंपैरिजन टू मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम हमेशा कंपैरिजन में बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ओके, विद रिस्पेक्ट टू गुप्ताज और विद रिस्पेक्ट टू हर्षवर्धन और विद रिस्पेक्ट टू कुशान, इस तरह से। तो इन शब्दों को कभी भी एब्सोल्यूट मैनर में यूज किया ही नहीं जा सकता। मौर्यंस के एम्पायर को देखा जाए तो उन्होंने भी डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया है, यस दे डिड सो। लेकिन गुप्ताज के मुकाबले फिर भी बहुत हद तक जो पावर्स थी वो एब्सोल्यूट मैनर में सेंटर में राजा के ही हाथ में होती थी। उन्होंने भी अपने एम्पायर को प्रोविंसीज में बांटा, प्रोविंसीज को प्रदेशिका में बांटा, उसके बाद प्रदेश में बांटा, प्रदेश के ऊपर प्रदेशिका होते हैं, राजुक होते हैं, युक्ता होते हैं, और वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने टेरिटोरियल डिविजन जो है उसकी देखभाल करते हैं। तो पावर्स कहीं ना कहीं जो लोकल्स हैं उनके हाथ में वेस्ट की जा रही हैं। बट उसके बावजूद भी अगर मौर्यन एम्पायर को गुप्ता से कंपेयर करें तो मौर्यन एम्पायर जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज। जितनी भी इम्पोर्टेंट पावर्स होती थी वो सारी राजा के हाथ में ही होती थी। तो हमने इससे ये चीज़ सीखी। तो सेकेंड स्टेटमेंट वॉज क्वाइट एम्बिग्यूस, इस स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मौर्यज वेंट फॉर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज इट्स वास्ट एम्पायर इन कंपैरिजन टू गुप्ताज। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वेंट फॉर हाईली, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगे आप? यस अनुराग, चाणक्य जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के ही अगेंस्ट थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज वर्ड को आप एब्सोल्यूट मैनर में कभी भी किसी एम्पायर के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, मौर्यन एम्पायर जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ताज के मुकाबले हाईली डिसेंट्रलाइज नहीं था, वो हाईली सेंट्रलाइज था।
उन्होंने अपने एम्पायर को प्रोविंसीज में बांटा है, प्रोविंसीज पे गवर्नर्स होते थे, उनके हाथ में भी कुछ पावर होती थी, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू गुप्तास, फिर भी देखा जाए तो मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड इन नेचर. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोडॉक्स स्कूल्स, इनमें से कौन से हिट्रोडॉक्स स्कूल्स हैं? वैशेषिका, योग, बुद्धिज्म, चार्वक, वेदांत. आसान सवाल, लड्डू सवाल. इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आराम से दे सकते हैं. वैशेषिका फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स में आती है, योग फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स में आती है, बुद्धिज्म हिट्रोडॉक्स स्कूल है, चार्वक हिट्रोडॉक्स है, वेदांत ऑर्थोडॉक्स में आती है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोडॉक्स स्कूल, हमें हिट्रोडॉक्स स्कूल बताना है. तो इसमें आपका बुद्धिज्म है और आपका चार्वक है, तो आंसर जो है वो होगा ए. ओके, हेटरोडॉक्स फिलोसफीज वो हैं जो कि वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्रुतीज, श्रुतीज की बात हो रही है, श्रुति टेक्स्ट की बात हो रही है. इन हिंदू ट्रेडिशन दे हैव बीन रेफर्ड टू एज अपुरुषेय, हिंदू ट्रेडिशन में श्रुतीज को अपुरुषेय कहा जाता है, नॉट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, ऑथरलेस. रामायण एंड महाभारत आर पार्ट ऑफ श्रुति लिटरेचर. थर्ड स्टेटमेंट, ऑल सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदुज्म डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ श्रुतीज. कितनी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं? रौनक, के वाई. वॉट अबाउट रेस्ट ऑफ द लर्नर्स? अंकित का आंसर आ गया है माधव, तेजस, ऐश्वर्य, अंकुश, अनुराग, आनंद, काजल, सिमरन. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. हिंदू ट्रेडिशन में श्रुतीज को एटर्नल माना गया है. हिंदू ट्रेडिशन में श्रुतीज में बदलाव नहीं लाया जा सकता. हिंदू ट्रेडिशन में श्रुतीज अपुरुषेय हैं, मनुष्य जो है उन्होंने इनकी रचना नहीं की है, खुद गॉड ने की है. ठीक है, वहीं सेकंड स्टेटमेंट गलत है. रामायण और महाभारत श्रुति लिटरेचर के अंडर नहीं आते. तो श्रुति लिटरेचर के अंडर क्या आता है? एनी एग्जाम्पल? वेद. वेद जो है वो श्रुति लिटरेचर के अंडर आते हैं. ठीक है, रामायण महाभारत स्मृति के अंडर आते हैं. ओके, इतिहास की कैटेगरी में आते हैं. देन थर्ड स्टेटमेंट, सारी सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदुज्म षड दर्शन जो है वो श्रुतीज की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते. ये स्टेटमेंट गलत है. षड दर्शन, छह की छह ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो है हिंदुज्म से कनेक्टेड, वो सब वेदों की अथॉरिटी को, श्रुतीज की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इसी वजह से ही वो ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Consider the following statements regarding Ashokan pillars. Two types of stones were used in construction. Red and white sandstone from Mathura and buff colored fine grain sandstone from Chunar, Varanasi. Ye pehli statement hai. Second kehti hai, the shaft of the pillar was made up of various pieces of sandstone cemented together. अशोकन पिलर्स आर्टिन कल्चर से कनेक्टेड है ये सवाल. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज तेजस, रौनक, अंकुश, काजल, शैलेंद्र. ओके, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ब्लैक स्पॉटेड बफ सैंडस्टोन, रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन, इनका इस्तेमाल किया जाता था जो मथुरा और चुनार से लाए जा रहे थे. पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकेंड गलत है, क्योंकि
अशोकन पिलर्स जो हैं वो मोनोलिथिक हैं, यानी कि इन पिलर्स में कोई जॉइंट नहीं है। एक पिलर जो है वो पूरा एक पत्थर में से ही काटा गया है, इसमें बीच में कहीं कोई जॉइंट नहीं है, ये मोनोलिथिक पिलर्स हैं। ठीक है, वो पूरा सिंगल पीस है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट डिपिक्ट्स द बुद्ध सिटिंग इन मेडिटेशन विद हिज लेफ्ट हैंड। ओके, लेट्स ड्रॉ दिस। हमें मुद्रा पता करनी है। इसमें बोला गया है कि लेफ्ट हैंड पाम अपराइट इन हिज लैप एंड हिज राइट हैंड टचिंग दी अर्थ। तो कुछ ऐसा करके वो अर्थ को टच कर रहे हैं, और उनका ये वाला जो हाथ है, दिस इज ओवर हियर। बेसिकली आपको मुद्रा बतानी। कौन सी मुद्रा है ये? दिस मुद्रा इज कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ। मुद्रा, द मुद्रा बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर इज ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा या फिर अभय मुद्रा। इसका करेक्ट आंसर होगा भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, 2012 में सवाल आया था। ध्यान मुद्रा ऐसे होती है, ठीक है, वितर्क मुद्रा ऐसे होती है, अभय मुद्रा ये होती है, और भूमि स्पर्श मुद्रा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा इज बेसिकली जिसमें गौतम बुद्ध जो है वो पृथ्वी को बुला रहे हैं टू विटनेस हिज चास्टिटी, दैट हाउ ही डिफीटेड द डीमन ऑफ इग्नोरेंस मारा, मारा को कैसे उन्होंने हराया। ठीक है, तो आंसर होगा भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा कौन से प्लेज लिखे गए हैं? मुद्रा राक्षस, राज तरंगिनी, कादंबरी, प्रियदर्शिका। इनमें से कौन सा प्ले हर्षवर्धन ने लिखा है? हर्षवर्धन वर्धान डायनेस्टी के, पुष्यभूति डायनेस्टी के एक राजा थे। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज प्रियदर्शिका। ओके, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागनंदम, रत्नावली ये तीन रचनाएं की हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा है? व्हाट अबाउट दिस वन? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त। राज तरंगिनी कल्हण, कादंबरी बाणभट्ट। ठीक है, और प्रियदर्शिका जो है वो ऑब्वियसली हर्षवर्धन। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला सवाल देखिए। इंस्क्रिप्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कैन बी फाउंड ऑन अलाहाबाद पिलर, ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। अलाहाबाद के पिलर पर कौन से राजाओं का इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर। अलाहाबाद पिलर एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर एक से ज्यादा राजाओं का इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है। ओके, ऑप्शंस में है अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 4। आंसर सी है, अशोक का इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन मिलेगा और जहांगीर का इंस्क्रिप्शन सेम पिलर पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल।
बिल्कुल सही अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनमें से क्या चीज बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कॉमन देखने को मिलती है। स्टूड अप एज रिवोल्ट्स, ये वर्ड जो है सिंबॉलिक नेचर में यूज किया गया है, जस्ट रिमेम्बर। ओके, स्टूड अप एज रिवोल्ट्स अगेंस्ट द प्रेवलेंट ब्राह्मणिकल रिलीजन, नॉट रिलीजन बट फिलोसफी। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है डिनाइल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। इनमें से क्या चीज बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन है। अभिजीत, अंकित, आकाश, प्रेरणा, अभिनव, ऋतिक, तेजस, भास्कर, अंकुश, अनुराग एंड मेनी मेनी अदर लर्नर्स। बिल्कुल सही, ये थोड़ा सिंबॉलिक मैनर में यूज किया गया है। सच ऐसा नहीं था कि रोड पर उतर के आके नारेबाजी करनी शुरू कर दियो, एक प्रकार का रेसिस्टेंस था, एक प्रकार का ऐसा आइडिया जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज के थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकेंड गलत है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म में तो सोल का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म में तो सोल का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए होगा। एग्जैक्टली, महायान बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द राइन ऑफ। महायान बुद्धिज्म किसके पीरियड में आया? अशोक, कनिष्क, अजात शत्रु, कालाशोक। ये तो सीधा सा सवाल है, इसमें तो कहीं गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। महायान बुद्धिज्म जो है वो कनिष्क के टाइम पर आ रहा है, कनिष्क कुषाण रूलर थे। देखो, फर्स्ट बुद्ध सुत्तपीटक, दीपवंश, अभिधम्म पीटक, महासंभव। जातक कथाएं जो हैं वो सुत्त पीटक में मौजूद हैं। बफर तो नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, मैंने चेक किया है अभी। जातक स्टोरीज आपको सुत्त पीटक में मिलेगी, सुत्त पीटक के खुद्दक निकाय में। ठीक है, खुद्दक निकाय में। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ लिटरेरी वर्क ऑन ग्रामर इन तमिल लैंग्वेज एंड दी अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। पत्तिना पल्लई, मदुरई कंजी, तोलकप्पियम, पथिन किल कनकु, पथिन किलकनकु। यस, तो हम ग्रामर की बुक की बात कर रहे हैं, तमिल भाषा की बात कर रहे हैं और अर्लीस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे इस सवाल का जवाब होगा तोलकप्पियम। और तोलकप्पियम का कॉम्पोजिशन कौन से संगम में हुआ है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट संगम जो है उससे जुड़ा हुआ हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लिटरेरी एविडेंस नहीं है। सेकेंड संगम जो है उसमें तोलकप्पियम को कंपोज किया गया। थर्ड में पत्तुत्तपत्तु एत्तुत्तगई, ये जो टेक्स्ट थे इनको कंपोज किया। ठीक है, तो आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेसार स्कूल, ऑल्सो नोन एज कर्नाटक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। It was a temple architectural style heavily influenced by Buddhist cave architecture. It emerged as an independent style completely different from Nagar school and Dravidian school. It combined features of both Nagar and Dravidian school and resulted in a hybridized style. Ya fir inme se koi nahi, none of the above. वेसार स्टाइल जो है वो डेक्कन वाले हिस्से में, वेसार स्टाइल टेंपल कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का एक स्टाइल है
जो कि डेक्कन वाले रीजन में डेवलप हुआ, और उसकी खास बात ये थी कि वो हाइब्रिडाइज स्टाइल था, मतलब उसमें नागर द्रविड़ियन के दोनों के ही फीचर्स आपको मिलेंगे, वो कोई इंडिपेंडेंट स्टाइल नहीं था, ऑब्वियसली उस पर नागर और द्रविड़ियन का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ओके सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर नॉट रीजन फॉर दी पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनमें से किसे या किन्हें आप बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण नहीं मान सकते हो? द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशन इन सोसाइटी। टीचिंग्स ऑफ उपनिषद दैट अपील टू दी मासेस। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड लेड टू दी लोअरिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वैश्यास। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनमें से किसे आप बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण नहीं मानोगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, इसको आसान बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन तीनों स्टेटमेंट में से रीजन फाइंड आउट करो, ओके? और जो स्टेटमेंट्स बच गई वो आपका आंसर है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण क्या था। उन्हें मार्क कर लेते हैं, जो स्टेटमेंट्स बच गई वो हमारा फिर आंसर हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट है, द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया जनरेटेड टेंशन इन दी सोसाइटी। क्या पहली स्टेटमेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण था? क्या इस वजह से लोग उसकी तरफ खींचे जा रहे थे? हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, ये कारण था। तो हमारे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट ही कर सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, टीचिंग्स ऑफ उपनिषद दैट अपील टू दी मासेस। उपनिषद में थे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, ओके? और ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो हैं, ये मासेस को अपनी ओर खींच रहे थे। क्या उपनिषद की जो टीचिंग्स हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण हो सकते हैं? नहीं, उपनिषद तो उल्टा बुद्धिज्म और जैनिज्म को और बड़े लेवल पर चैलेंज कर रहे हैं। बिकॉज उपनिषद जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल फिलॉसफी लेकर आते हैं, उनमें वर्ण सिस्टम जैसी बातें नहीं रखी गई हैं, उनमें सिर्फ एक ही रियलिटी की बात की गई है, दैट इज आत्मन। इसके अलावा हर चीज मोह माया है। तो उपनिषद तो बुद्धिज्म जैनिज्म को और चैलेंज कर रहे हैं। बुद्धिज्म उपनिषद की जो टीचिंग्स है जो मासेस को अट्रैक्ट कर रही थी, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण नहीं है, बल्कि वो तो उनको चैलेंज दे रहे हैं, वो एक तरह का कॉम्पिटिशन पैदा कर रहे हैं। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता। अब तीसरी स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड लेड टू द लोअरिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वैश्यास। कि ट्रेड डिक्लाइन कर रहा था, वैश्यास जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, और इसी कारणवश बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हुआ। ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट भी बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण नहीं है। एक्चुअल में बात ये थी कि ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन वैश्यास की अच्छी थी, लेकिन उनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं था। यानी हाथ में पैसा तो है, लेकिन सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है। इसी वजह से वो समाज में कुछ ऐसी फिलॉसफी, कुछ ऐसे आइडियाज चाहते थे जो उनके सोशल स्टेटस के अपलिफ्टमेंट में उन्हें मदद कर सके। तभी तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, तभी तो वो बहुत सारा पैसा दे पा रहे थे, डोनेट कर पा रहे थे, और बुद्धिज्म जैनिज्म और ज्यादा पॉपुलर हुआ। गॉट इट? तो ये भी यहां पर नहीं। तो अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण है, और जो बच गई वो हमारा आंसर है। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब आपके सामने है आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर है। टीचिंग्स ऑफ उपनिषद, उपनिषद की टीचिंग्स बुद्धिज्म जैनिज्म को पॉपुलराइज नहीं करती है। ट्रेड पहली बात तो डिक्लाइन हो नहीं रहा था, वैश्य जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर थी, इसी वजह से तो वो डोनेशन दे पा रहे थे, वो यहाँ पर पैट्रनाइज कर पा रहे थे, मोनेस्ट्रीज बनवा पा रहे थे, दान दे पा रहे थे, तभी तो बुद्धिज्म जैनिज्म पॉपुलर हुआ, प्रोपागेट हुआ, स्प्रेड हुआ और वो बाकी के आइडियाज से कम्पीट कर पाया। तो हमारा आंसर बी होगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, वो क्वेश्चन ट्रिकी था, उसको थोड़ा ऑपोजिट तरह से समझ के करते तब आसान हो जाता हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द संगम एज। सोनाली, आप और मैं दोनों सेम बात ही कह रहे हैं, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। उपनिषद्स में भी सिर्फ एक रियलिटी की बात की है, दैट इज सोल। उसमें भी कास्ट, क्लास, वो सब चीजों पर बात नहीं की गई। तो उपनिषद के जो विचार हैं वो काफी हद तक बुद्धिज्म जैनिज्म के जो आइडियाज थे जो कास्ट क्लास को दूर करते थे उसी के साथ अलाइंड है। तो बुद्धिज्म की टीचिंग्स जो हैं वो यहाँ पे लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही हैं, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ा नहीं रही हैं। अगर उपनिषद की टीचिंग्स लोगों को पसंद नहीं आती तब उपनिषद की टीचिंग्स को बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी का कारण माना जा सकता था कि चलो उपनिषद की टीचिंग्स नहीं समझ आ रही है तो हम बुद्धिज्म जैनिज्म की ओर भागते हैं। ओके, दैट इज द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगम एज से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स हैं। थ्री संगम्स फ्लरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रनेज ऑफ चोलर्स। नो वर्क फ्रॉम फर्स्ट संगम रिमेन्स एंड फ्रॉम सेकेंड संगम ओनली तोलकप्पियम रिमेन्स। ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिडिटरी मोनार्की एग्जिस्टेड। कितनी स्टेटमेंट ठीक है? ओके, जस्ट लेट मी नो द आंसर, एलिमिनेट कर दीजिए। तीनों संगम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मदुराई में, कप्पड़ापुरम में, फिर मदुराई में, ये तीनों संगम पांड्यास के अंडर फ्लरिश हुए। पांड्यास आर द वन हु पैट्रनाइज दीज संगम। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। फर्स्ट संगम से कोई भी रचना अब हमारे पास मौजूद नहीं है, सेकेंड संगम से सिर्फ तोलकप्पियम है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और संगम पीरियड में हेरिडिटरी मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, ऑब्वियसली राजा का बेटा राजा बनेगा, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी मच देयर। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पशुपति सील। आप सबने पशुपति सील देखी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, पहली स्टेटमेंट, इट वॉज एक्सकेवेटेड एट मोहन जोदड़ो विद इन द इंडस वैली विच इज डेटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 2500 बिफोर कॉमन एरा। सेकेंड स्टेटमेंट, पशुपति इज सीटेड इन अ योगिक पोस्चर। थर्ड स्टेटमेंट, पशुपति इज अडॉर्ड बाय यक्षिणीज अराउंड हिम। यस एवरीवन, इसका आंसर क्या होगा? And the answer to this question is B. कैसे? हाँ, पशुपति सील को मोहन जोदड़ो से एक्सकेवेट किया गया है 2500 years before common era में, मतलब उतना पुरानी है ये सील। दूसरा, इसमें जो फिगर है वो योगिक पॉस्चर में बैठे हैं। तीसरा, पशुपति जो है उनके चारों ओर यक्षिणीज नहीं है, उनके चारों ओर जानवर हैं, एलिफेंट है, ठीक है, बुल, एलिफेंट, बफेलो, रियानोसॉरस टाइगर और नीचे फिर दो एंटीलोप्स,
तो इसी वजह से तो उनको पशुपति के तौर पर इंटरप्रेट किया गया है कि इतने सारे पशु उनके आसपास है तो वो पशुओं के देवता होंगे, दैट इज पशुपति. ओके, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है. आंसर इज बी. ओके, सो आज के सेशन में इतना ही. हमने जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उन पर डिस्कशन किया. अगले सेशन में कुछ और एमसीक्यूज कवर करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करेंगे ऑल्टरनेट डे यानी कि वेडनेसडे को. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हमारे इसी तरह से एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो ज़रूर एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूरी है. तो आप स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन करें. कल रात 10 बजे भी एक स्पेशल क्लास है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सेशन ख़त्म करने तक उससे पहले देर इज़ अ स्मॉल लिटल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप सभी को देना चाहती हूँ. सो जस्ट वेट. ओके, सो देर इज़ दिस स्मॉल लिटल इन्फॉर्मेशन, ये सुन लीजिए, आपके काम की है, आपको मदद करेगी अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो. ठीक है, ओके, सो ये एक स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है 13 से 17 सितंबर तक. 10% डिस्काउंट तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिलता ही है, बट उसके साथ साथ और 10% एडिशनल डिस्काउंट एडुकेटर के रेफरल कोड को यूज़ करने पर मिल रहा है. आप सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ARTI1702 रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, आज ही सब्सक्रिप्शन ले सकता है. इसके अलावा येस, बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं. 15th of September से 1 year बैच को शुरू हो रहा है बाइलिंगुअल और इंग्लिश में. पूरा 2022 के प्रिलिम्स और मेंस को वो टारगेट करेगा. ये 2022 का बैच जो है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एंड ये सभी एडुकेटर्स के नाम भी आप स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं. ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये यू कैन सी एंशंट हिस्ट्री से इसकी शुरुआत हो रही है बायलिंगुअल और इंग्लिश में. 2 year का बैच कोर्स भी 15th of September से शुरू हो रहा है और इसकी जर्नी कुछ इस प्रकार रहेगी. अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर बैच कोर्स आपके लिए ही है. ओके, एंड दीज आर सम ऑफ दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि 15 और 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो ऑप्शनल की तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं. इसके साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए आप 0% इंटरेस्ट पर भी लोन के थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेंगी 20 books क्रिएटेड बाय बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में. एंड ज़रूर ज़रूर अनअकैडमी कॉम्बैट में हर संडे को पार्टिसिपेट करें 11 बजे. ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं. एंड दैट इज़ इट, यही एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाहती थी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट. थैंक यू.